गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रांच शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस, सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अंबेडकर नगर में एक सनसनीखेज मर्डर की घटना सामने आई है, जहां हथौड़े से मारकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। बीच बचाव करने के लिए पहुंची सास और आरोपी पति की जो बेटी है 10 से 12 साल की, उस पर भी, सास और बेटी पर भी इसने हथौड़े से हमला किया है। बहरहाल जो पत्नी है उसकी मौत हो गई है और सास और बेटी ये दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरोपी है उसका नाम विजय मिश्रा उर्फ समीर शेख बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ये इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है और 14 साल पहले ही जरीन अंसारी जो उससे इसकी शादी हुई थी और इनके दो बच्चे हैं, एक 10 से 12 साल की बेटी है और एक छोटा बेटा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जरीन और विजय उर्फ समीर के बीच में पारिवारिक विवाद लंबे अरसे से चल रहा था और विजय उर्फ समीर भिवंडी के कालेर में रहता था। कुछ दिन पहले ही विवाद होने के बाद जरीन बच्चों के साथ में मुंब्रा के अंबेडकर नगर मैदान के पास अपनी मां के साथ में रहने लगी थी और विजय उर्फ समीर आज दोपहर के वक्त पूरी तैयारी के साथ जरीन के घर में पहुंचा। इसके पास हथौड़ा वगैरह थे और जरीन से ये बहस करने लगा घर पहुंचने के बाद। इसी दौरान जो है विजय उर्फ समीर से जो है घर में ना आने की बात उसकी सास करने लगी कि जो है आप घर पर मत आया करो, और इसी बात से गुस्सा होकर जो है विजय उर्फ समीर ने हथौड़े से जरीन पर कई बार वार किया, लहूलुहान होकर वो ज़मीन पर गिर गई। बीच बचाव करने के लिए इसकी सास भी वहाँ पहुँची और इसने सास पर भी हमला कर दिया। 10 से 12 साल की जो बेटी थी इनकी, उस पर भी इसने हथौड़े से हमला किया। इस हमले में जरीन की मौत हो गई है, जबकि सास और उसकी छोटी जो बेटी है वो दोनों घायल हैं। वहीं इस दौरान ये भी अफवाह फैलने लगी कि विजय उर्फ समीर के पास बम थे, मगर पुलिस से जब हमने पूछा इस बारे में तो पुलिस ने बताया कि ऐसा बम होने की जो बात सामने आ रही है ये पूरी तरीके से अफवाह है। उसके पास बताया था कि बैटरी थी, 2-3 बैटरी उसने जोड़ा था और उस पर टेप सेलो लगाकर जो है वायर उसमें बाहर निकाला था, और इस घटना के दौरान जो है लोगों को उसी से डरा रहा था कि कोई उसके पास ना आए, मगर जो है बम होने की अफवाह जो है फैली ये पूरी तरह से गलत थी। इस घटना की जानकारी जब मुंब्रा पुलिस को लगी तो मुंब्रा पुलिस के सीनियर PI NB कोल्हटकर घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी विजय उर्फ समीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले के आगे भी तहकीकात कर रही है। सर, अम्बेडकर नगर परिसर में एक हत्या का मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहोगे? देखिए, अभी दोपहर 1 बजे यहाँ पे एक समीर शेख करके आदमी है और उसके वाइफ जरीन अंसारी, ये समीर शेख है, 14 साल पहले उनका शादी हुआ था, उनका पहला नाम मिश्रा था, अभी वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, तो उनका झगड़ा था हस्बैंड वाइफ का। 3 साल पहले वो घर से, यहाँ पे जो उसकी वाइफ है और उसकी मदर है, सांस है, उन्होंने घर से उसको आने का मना किया था। ये लोग यहाँ पे रहने के लिए अंबेडकर नगर में, जो मयत उनकी वाइफ है जरीना, उसकी माँ, उसका भाई और उसके बेटे, ऐसे इधर रहते थे। आज दोपहर को 1 बजे वो यहाँ पे आ गया, उन्होंने वाइफ को घर में पूछताछ किया, लेकिन उसकी जो सांस थी उन्होंने उसको घर में आने के लिए मना कर दिया। उसी गुस्से में उसने एक, उसके पास हथौड़ा था, वो वेल्डिंग का काम करता है, वो हथौड़ा से उसके वाइफ के सर पे मारा तो उसको बहुत ज़्यादा खून बहके उसमें इंजरी हुए है और उसके सास को भी लगा है, उसको हॉस्पिटल भेजा है और जो जरीना है उसकी डेथ हो गई है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये आरोपी कालेर भिवंडी का रहने वाला है, उसके माँ बाप उधर के हैं,
और वो इनका शादी करने के बाद वो मुंब्रा में रहता था। उनकी जो बड़ी बेटी है शायद उसको भी मार लगी। हाँ, छोटी बेटी है उनको भी थोड़ा लगा है यहाँ पे, क्योंकि घर में वो सब लोग थे तो वो हाथापाई में उनको भी लगा है। और आरोपी को हम लोगों ने ताबे में लिया है। आरोपी का बैकग्राउंड वगैरह अभी ताबे में लिया है, पूछताछ करने के बाद आपको बैकग्राउंड से बता।